नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कब तक चलेगी मेडिकल मालिकों के द्वारा जनता की लूट? हम लगातार कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बाजार में उल्टी, दस्त, दर्द, एसिडिटी और गैस से राहत दिलाने वाली दवाएं नकली मिल रही है। नामी कंपनियां की नकली दवाएं बनाकर ज्यादा कमीशन का लालच देकर मेडिकल के जरिए लोगों को बेच रही है। इसी प्रकार का मिलता जुलता मामला पालघर स्थित नालासोपारा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध केंद्र के नाम पर मेडिकल मालिक सरेआम जनता को लूट रहा है। जेनेरिक दवाई तो दूर, उल्टा महंगी दवाइयां बेच जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले तो उक्त मेडिकल ने एक ग्राहक को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन तक थमा दिया। हमारी टीम को जब इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई, हमारी पड़ताल में पता चला कि न सिर्फ महंगी और ब्रांडेड बल्कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाएं भी उक्त मेडिकल से लोगों को थमा दी जाती है। शिकायत की प्राथमिकता जांचने हेतु हमारी टीम ने दवाई की दुकान पर जाकर कार्यरत लोगों से ऐसी दवाई की मांग की जो कि बगैर डॉक्टर की लिखी पर्ची की नहीं दी जा सकती, परंतु दवाई दी गई। हालांकि मेडिकल से पीड़ित लोग भय के चलते कैमरे पे आने से कतराते रहे। हमने उनके आरोपों की सत्यता का पता लगाने नालासोपारा सर्वोदय अस्पताल पहुंचे, मेडिकल स्टाफ के सीनियर डॉक्टर गायत्री से मुलाकात की और उनसे एक्सपायरी डेट वाले आरोपों की सत्यता का सवाल किया तो उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि यह बात सही है। नर्स ने मरीज को देने से पूर्व चेक किया था तब पता चला कि इंजेक्शन एक्सपायरी डेट का है। हालांकि मरीज के परिजन ने जब वापस जाकर उक्त मेडिकल से शिकायत की तो मेडिकल ने हमारे यहाँ का नहीं है कहते हुए पल्ला झाड़ दिया। इस विषय की शिकायत भी प्रेषित की गई है, क्योंकि मेडिकल अस्पताल के एकदम पास में है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नाम है तो लोगों में मनपा और आरोग्य विभाग के खिलाफ भ्रांतियां पैदा हो रही है। अब आप देखिए संतोष भगत संदीप के साथ संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। सेम कर दे, सेम असर ना? हाँ, सेम है, कुछ कॉम्प्लेन में ही दवा रहता है। नहीं, नाम सुना नहीं इसका, डाइक्लोजिम का इस्तेमाल। डाइक्लोजिम मार्केट में बहुत है, अपने हमने सुने डाइक्लोजिम को बहुत। यहाँ पे अलग मिलेगा, पूरे मुंबई में ऐसा मिलता है और आप बाहर जाएंगे डाइक्लोजिम नाम यही रहेगा, कंपनी भी यही रहेगी, कलर चेंज रहता है। कॉम्प्लेन नहीं रखते ना? नॉर्मल ही दवा है, आपको सिर्फ दर्द के लिए चाहिए था इसलिए दिया ना। जो भी दवा आपको, दवा देने के लिए रूल्स क्या बोलता है मैं वो बोल रहा हूँ, रूल्स क्या बोलता है? आपने 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 प्रिस्क्रिप्शन दिखाया कि नहीं? प्रिस्क्रिप्शन मांगा कि डॉक्टर का देने के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का देना पड़ेगा। फार्मासिस्ट फिर मतलब फार्मासिस्ट दे नहीं सकता एकदम डाइक्लोजिन। तो मैंने आगे ये थोड़ी बोला कि मेरे पेट में दर्द है कि सर में दर्द है, मैंने सीधा ये बोला कि मुझे कॉम्बिफ्लेम चाहिए। आपने ये पूछा कि किस लिए आप कॉम्बिफ्लेम मांग रहे हो, फार्मासिस्ट का ये काम नहीं कि ये पूछने का कि आप किस लिए मांग रहे हो? कमाल ऐसा आपका ये काम नहीं कि फार्मासिस्ट का कि आप ये पूछे कि किस लिए मांगा जा रहा है, आपको क्या हो रहा है? ठीक है, ये मैंने अभी डॉक्टर को किसी नाम का ड्रग होता है सब, मतलब हर चीज में आप कॉम्बिफ्लेम लेते हैं, कॉम्बिफ्लेम का रिएक्शन नहीं होता आपको? तो मैं तो आपको ये सवाल किया ना, आपने मुझे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा क्या कि प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास में, कॉम्बिफ्लेम किसके लिए मांग रहे हैं आप? बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं होता। मैंने आपको इसी के लिए तो पूछा ना, जानकारी ले रहे हैं।